सो गाइस ये मेरी ड्यूक 200 और अभी मैं इसको कोल्ड स्टार्ट करने वाला हूँ। देखो अभी ये मिसिंग मारेगी, देखो ये देखो बंद हो गई है। तो ये इशू आ रहा है अभी ड्यूक 200 में। फर्स्ट डिसएडवांटेज ये है कि भाई बाइक स्टार्ट नहीं हो रही है, देख रहे हो, शायद यहाँ पे थोड़ा सा बैंड भी हो रखा होगा। यहाँ पे लगा हुआ था खतरनाक, 3 बार लगा, इतना डेंजर मेरे को लगा भाई साइलेंसर का ये पाइप फट गया। दूसरी बार लेके गया मैं, बता इस बार गाँव और इतनी ज़्यादा बुरी हालत हो गई ना इसकी, देख रहे हो भाई। मेरे को समझ में नहीं आ रहा है कि भाई 140 तलब MT-15 भाग जाती है तो ये 135 के बाद ना रुक जाती है, पता नहीं क्यों। गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल, वेलकम बैक टू द अनदर ब्लॉग। सो कैसे मेरी यूट्यूब फैमिली, आई होप एकदम बढ़िया होंगे और बढ़िया होनी चाहिए। आज के ब्लॉग की शुरुआत मॉर्निंग से स्टार्ट हो रही है और बहुत दिन के बाद मोटो ब्लॉग हो रहा है। इसलिए मैं आ गया था गांव से, 2 तारीख को आ गया था और उसके बाद मैं गाँव के ब्लॉग्स अपलोड कर रहा था क्योंकि यार मेरे पास ना बहुत सारे वीडियोज पड़े थे, मैंने सोचा कि यार यूट्यूब पर डाल देता हूँ, आप लोगों ने देख लिया होगा। सो गाइस हमारी पूजा थी गाँव में और काफ़ी इंटरेस्टिंग ब्लॉग होने वाला है क्योंकि मैं आज अपनी ड्यूक के बारे में बताना चाहता हूँ कि आपको सजेशन देना चाहता हूँ और मैंने सोचा यार चलो एक वीडियो बनाई लेता हूँ इसके ऊपर। सो आज मेरे सामने है ड्यूक 200, ये 2-3 महीने हुए इसको लिए हुए और देखो क्या हालत हो गई है, पता है गाँव से दूसरी बार लेके गया मैं, पता इस बार गाँव और इतनी ज़्यादा बुरी हालत हो गई ना इसकी, देख रहे हो कंडीशन इतनी ज़्यादा ख़राब हो गई, पीछे से बैक साइड से देख सकते हो। मतलब ये 3 महीने में मैंने मतलब कम से कम 4000 किलोमीटर चला लिया भाई, दिखा देता हूँ आपको कि मैंने कितने किलोमीटर चलाया। इस तो मैंने 1000 किलोमीटर पे होती है और सेकंड सर्विस इसकी अभी इसकी, और भाई गाइस अभी 3 महीने वही इसको लिए हुए और 4000 किलोमीटर चला लिए। तो भाई ऐसा ही होता है कि मोटो लॉगिंग करते हो ना तो भाई मेरा तो बहुत ज़्यादा, मेरे दोस्त ने भी ले रखी थी उसकी कम से कम 2000 किलोमीटर चली उसकी सिर्फ 4 महीने में, तो मेरी देख सकते हो यार कि 4000 किलोमीटर चला चुका हूँ क्योंकि मेरा गांव यहाँ से ऑलमोस्ट 600 किलोमीटर है, फिर उसके बाद वहाँ से एक्स्ट्रा 50-60 किलोमीटर है, फिर गांव लेके गया मैं मतलब कि शादियों में लेके गया, ऑफ रोडिंग करी मैंने इसके ऊपर, टायर ना काफ़ी अच्छा लगा मेरे को, पता लीन करने के जैसे लीन कर रहा था ना, तो अभी देख सकते हो टायर की ग्रिप पीछे वाली ज़्यादा लीन करता हूँ मैं, देख रहे हो इस साइड, क्योंकि मेरे को ना जमता है कॉर्नर करने, ये चेक कर सकते हो आपकी बाइक की हालत ये हो चुकी है। और कुछ मॉडिफिकेशन क्या कराऊं मैं इसके ऊपर, फर्स्ट डिसएडवांटेज ये है कि भाई बाइक की स्टार्ट नहीं हो रही है। हे गाइस भैया लोगों के घर के यहाँ पे कर रखी है क्योंकि वहाँ पे ना बहुत इसलिए नहीं लगाता वहाँ पे सामने क्योंकि वहाँ पे छोटे छोटे बच्चे लोग ना बहुत कुछ भी कर देते हैं बाइक में, तो इसलिए मैं यहाँ पर लगाता हूँ और यहाँ पे मैं सेफ्टी रहता है क्योंकि यहाँ पे देख सकते हो गेट भी लगा हुआ है। तो अभी मैं आपको जो दिक्कत बताने वाला हूँ ना, तो भाई सो गाइस ये मेरी ड्यूक 200 और अभी मैं इसको कोल्ड स्टार्ट करने वाला हूँ। देखो अभी ये मिसिंग मारेगी, देखो उठाई इसने 5000, ये देखो बंद हो गई है। तो ये इशू आ रहा है अभी ड्यूक 200 में, देखो दोबारा दूसरा सेल्फ दे रहा हूँ, देखो बंद हो रही है। मैं सिर्फ प्रेस कर रहा हूँ, ज़्यादा वो नहीं कर रहा हूँ मैं, तेरे थोड़ा सा कर रहा हूँ। देखो अभी तीसरा, ये तीसरे में भी नहीं स्टार्ट हो रही है, ये चौथा में, मतलब कि आप लगा लो 2000 RPM पे बाइक स्टार्ट हो रही है भाई। 3 बार मैंने ऑन करने की कोशिश की बट 3 बार देखो हुआ नहीं है क्योंकि ठंडी के टाइम है और मैं जा रखा था गांव, तो ये इशू आ सकता है क्यों सकती है। सेकेंड क्वेश्चन भाई का ये आ रहा था कि यार कि ड्यूक 200 माइलेज कितनी दे रही है एग्जैक्ट, मैं चीज़ है कि लॉन्ग राइड के लिए ना बाइक ड्यूक ओके है भाई एकदम, मतलब कि नॉर्मल सिटी में ना आप बिल्कुल एवरेज नहीं देगी, लॉन्ग राइड पे एकदम बिल्कुल परफेक्ट है, कोई दिक्कत नहीं इशू है, 37 की एवरेज दे रही है। और थर्ड क्वेश्चन ये आया है कि ड्यूक 200 बाइक ऑफ रोडिंग के लिए अच्छी है कि नहीं है, ऑफ रोडिंग के लिए बिल्कुल ओके है भाई क्योंकि हमारे यहाँ पहाड़ है, तो पहाड़ों में ना ये होता है कि क्या बोलते हैं कहीं रोड कच्ची सड़क रहती है और पक्की सड़क रहती है, तो मैं कच्चे रोड पे भी लेके गया भाई इसको, पहाड़ों पे आप जैसे ऑफ रोडिंग करते हो कहीं जगह पर ऑफ रोडिंग होती है ना, तो वहाँ पर ड्यूक 200 बिल्कुल ओके है। वो मेरा मेरे 3 जगह लगे पता, क्योंकि मैंने त्रिपलिंग बैठा रखा था गाँव में, बिल्कुल त्रिपलिंग मत बैठाना भाई, जैसा गांव पहाड़ों पे लेके जाते ना तो त्रिपलिंग बिल्कुल मत बैठाना क्योंकि मैंने त्रिपलिंग बैठा रखा था, तो ये चीज़ लगी पता मेरा, ये साइलेंसर होता है ना, ये देखो यहाँ पे देख रहे हो, शायद यहाँ पे थोड़ा सा बैंड भी हो रखा होगा, देख रहे हो यहाँ पे लगा हुआ था खतरनाक लगा भाई, 3 बार लगा, इतना डेंजर मेरे को लगा भाई साइलेंसर का ये पाइप फट गया क्योंकि इतनी स्पीड में जब आते हो और अचानक ही, मतलब रात के टाइम था तो रात के टाइम पे यार इतना दिखता नहीं है प्रॉपर क्योंकि इतनी रोडों पे लाइट बिल्कुल नहीं रहती है। थर्ड क्वेश्चन का आंसर भी दे दिया मैंने कि ऑफ रोडिंग के लिए बाइक ओके है, कोई दिक्कत नहीं है। सो गाइस मैंने ये लगा रखा है दोनों, 350 रुपये का है ये, सो ये देख सकते हैं आप,
भाई काफ़ी ठीक है, बढ़िया है, लुक भी देती है बाइक पे। सबसे पहले ये देखो आप लुक कैसी है, देख रहे हो बाइक क्रेजी क्रेजी भाई। जाके शॉप पे जाके 400-300 रुपए में मिल जाएगा आपको आराम से। और मैंने 400 रुपए का लिया था दोनों का, दोनों 350 रुपए का लिया था दोनों चीज़, राइट एंड लेफ्ट साइड का, तो ये देख सकते हो। और फाइनल जो यार मेरे को भाई का मैसेज आ रहा था कि यार ड्यूक 200 टॉप एंड स्पीड कितनी है इसकी, सो गाइस 135 तलक भाई मेरे को समझ में नहीं आ रहा है कि भाई 140 तलक MT-15 भाग जाती है, तो ये 135 के बाद ना रुक जाती है, पता नहीं क्यों। शोरूम पे लेके जाऊंगा और उनको ये बोलूंगा कि एजेंसी में जाके भाई ये चीज़ आ रही है इसमें, तो शायद कुछ सेटिंग होगी या कुछ और इशू होगा कि मतलब कि इन्होंने लिमिटर कर रखा है RPM। जैसे ही आप देख सकते हो, जैसे मैं छठे गियर पे लेके जाता हूँ ना, तो ये कम से कम 135 के बाद ना रुक जाती है भाई, तो शायद कुछ हो सकता है इसको शोरूम पे जाके। और बाकी ये देख सकते हो आप, बाकी मैं मॉडिफिकेशन क्या कराऊँ इसके ऊपर मेरे कुछ समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि अभी बहुत ही ज़्यादा मतलब कि अभी पैसे की कंडीशन ना बहुत ज़्यादा ख़राब हो रही थी, क्योंकि लाइफ में ना कुछ भी अच्छा नहीं चल रहा है। और बाकी मेरा दिल करता है कि मैं व्लॉगिंग को करते रहूं या ना करते रहूं। अगर आप लोगों का सपोर्ट मिलेगा तो मैं व्लॉगिंग बिल्कुल करूंगा, सपोर्ट नहीं मिलेगा ना बिल्कुल भी नहीं करूंगा, क्योंकि यार मैं डीमोटिवेट हो जाता हूं कि जब अब मैं बोलना नहीं चाहता कि आप बोलोगे भाई फिर से इमोशनल हो गया वीडियो बनाओ। सो गाइस यार वही चीज़ है, जब सपोर्ट नहीं मिलता ना तो बिल्कुल भी दिल नहीं करता वीडियो बनाने का। सपोर्ट मिलता ना तो एक उम्मीद रहती है कि यार कि आप लोगों का सपोर्ट मिल रहा है तो चलो मैं वीडियो बना देता हूँ। बाकी यार देखते हैं आप लोग सपोर्ट करते हो कि नहीं करते हो, तो ऐसे सपोर्ट करते रहोगे तो अच्छी बात है, और तुम्हारा भाई अच्छे अच्छे व्लॉग बनाएगा मतलब इंटरेस्टिंग कोशिश करेगा व्लॉग बनाने का। तो बाकी ये सारा कुछ बता दिया मैंने, और ये मॉडिफिकेशन बहुत कुछ करा सकते हो बट एग्जॉस्ट मत लगाना यार, क्योंकि ना कान दर्द होने लग जाते हैं। अब मेरे दोस्त ने भी ना एग्जॉस्ट लगा रखा है ड्यूक 200 में, भाई इतनी शौक होता ना बंदे को यार कि यार में एग्जॉस्ट रहना चाहिए, रिएक्शन मिलेंगे, रिएक्शन आपको ज़रूर मिलेंगे, पर जो आपको ना दिक्कत आएगी ना एग्जॉस्ट लगाने के बाद ना, जो आपको दिक्कत आएगी ना, सबसे पहले जो दिक्कत आएगी इंजन पे दिक्कत आएगी, ठीक है जी। क्योंकि मेरे दोस्त ने ना MT वाला भाई था, तो उसने ना अपनी MT पे लगा रखा था, तो भाई उसके जो मेरे को बता रहा था ना कि यार माइलेज बहुत ही ज़्यादा कम हो गई और इंजन पे भी दिक्कत आ रही है, क्योंकि कभी कभी उसका कहता है कि ऑन ही नहीं होता है, जैसे बाइक को स्टार्ट करता है ऑन नहीं होती है, तो जो मेजर इशू आया ना, तो मैं इसीलिए नहीं लगा रहा भाई। सारे मतलब जो साइलेंट बाइक रहती है ना भाई, इसका अलग ही है भाई, सही में साइलेंट ना बाइक मेरे को काफ़ी अच्छी लगती है, काफ़ी मतलब कि एग्जॉस्ट लगाने के बाद भी काफ़ी मतलब कि अच्छा लगता है, बट ज़्यादा देर तक बंदे को, अगर हाँ आपके पास सुपर बाइक है तो उस पर आप बिल्कुल लगा सकते हो, क्योंकि यार मैं नॉर्मल बाइक पर स्पोर्ट्स बाइक पर बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, क्योंकि उसकी जो साउंड आती है ना काफ़ी बेकार ही आती है, बट हैवी सीसी वाली बाइक पे काफ़ी अच्छी लगती है एग्जॉस्ट, बाकी जो नॉर्मल बाइक रहती है स्पोर्ट्स बाइक पे कोई अच्छी नहीं लगती है, सही बात बताऊँ तो इसलिए मैं एग्जॉस्ट नहीं लगाऊंगा, बिल्कुल भी नहीं लगाऊंगा, क्योंकि मेरे इंजन पे इफेक्ट पड़ जाएगा और प्लस एवरेज पे दिक्कत आ जाएगी, तो नहीं मतलब कि एग्जॉस्ट लगाने का। बाकी जैसे चल रही है चलने दूंगा, और बाकी जो मॉडिफिकेशन आएगा ना मेरे दिमाग में थोड़ा सा पैसे इकट्ठा करने के बाद ना, मैं इस पर मॉडिफिकेशन बिल्कुल कराऊंगा, ऐसी कराऊंगा कि भाई एकदम बॉम्ब की तरह। और बाकी मैंने कुछ गार्ड गुड नहीं लगाए, क्रैश गार्ड नहीं लगाए, बिल्कुल कुछ नहीं लगाया मैंने, नॉर्मल है बाइक तो नॉर्मल है भाई, कुछ भी मॉडिफिकेशन कुछ नहीं कराया मैंने इस पर, सिर्फ टेपिंग के अलावा और कुछ नहीं करा रखा, क्योंकि टेपिंग के अलावा भाई पैसे हैं नहीं, तो इसलिए कहाँ से करूँगा मैं। बाकी ये मिरर चेक करो कैसे लग रहे हैं, तो चलो यार बाकी यही थी अब यही चीज़ थी, और बाकी लुक चेक करो आप कि कैसी है। और जो आपने गांव की पूजा देखी होगी, तो भाई ये चीज़ है कि देवभूमि उत्तराखंड को मतलब कि देवभूमि आ जाता है देवभूमि उत्तराखंड को, क्योंकि वहाँ की जो संस्कृति है मैं वही चीज़ आपको दिखाना चाहता था कि कैसी है और कैसी क्या होती है, शादी कैसी होती है और पूजा कैसी होती है, तो वही चीज़ मैंने अपने ब्लॉग में प्रॉपर नहीं बता पाया, पर जितनी कोशिश किया मैंने तुम्हारे भाई ने उतनी कोशिश किया। बाकी इंजॉय करने के लिए गया था, मेरा मूड नहीं था कि बिल्कुल भी ब्लॉग बनाने का, तो चलो कोई नहीं यार, थैंक यू सो मच इतने ब्लॉग सपोर्ट करने के लिए, इतने आप लोगों ने ना भाई को ना बहुत ही ज़्यादा सपोर्ट करना है। ये है अपनी बाइक के ड्यूक के बारे में बता दिया, बाकी कैसे लगी तो लाइक शेयर कमेंट कर देना, जो चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, तो मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट ब्लॉग में, टेक केयर, बाय बाय।